आपका जन्म ये पहाड़ पे हुआ? पहाड़ पे हुआ, मेरा जन्म यही है। अच्छा, ये तो ये भी पलीन है, मेरा तो एकदम पहाड़ी पे हुआ। कहाँ पे आप घर? वो सामने जाओ, वो ऊपर वाले पौधे दिख रहे हैं ना, ऊंची से ऊंचा पीछे, उसके पीछे ये जो ऊंचा पेड़ देख रहे हैं, इसका पेड़ देख रहा है धार में। हाँ, इतना ऊपर आपका घर। अभी बिजली था नहीं तो आप लोग कैसे चलता था उस समय? हम उस टाइम पे लैंप होता था, एक लैंप मिट्टी का तेल से और उस पे कोई बत्ती जला देते थे। तो उस समय का आप लोग रहने के लिए तो बहुत देखता था, बहुत परेशानी थी, बहुत ज्यादा हमने बहुत बुरा झेला यहाँ पर, बहुत परेशानी, बहुत कष्ट हुआ आपको? कष्ट हुआ बहुत, यहाँ पर पैसा भी नहीं था और ये बाहर जाते थे लोग जो करने वाले, बाहर नौकरी, कोई होटल या कुछ, कोई ड्राइवर। भगवान ने आपको अभी का समय में इतना अच्छा किया, सरकार ने इतना अच्छा कर रहा है। नहीं, हम बेचता चावल खाते, रोटी खाते, सब्जी खाते, दाल खाते। अच्छा, यही आप लोग का चावल रोटी? ये साधारण खाना, सैंपल खाना है हमारा। तो ফাইনালি সাদের উপর এসেছি, তো আমরা যেই জায়গায় রুম নিয়েছি, তো এখানকার পাহাড়ি লোক, ওরা এখানে তাদের জন্ম হয়েছে, তো ওনার সঙ্গে একটু কথা বলছি, দেখি এখানকার কি রকম সিস্টেম ছিল, কিভাবে উনি এখানে রয়েছে, তো ওনার মুখ থেকে শুনবো। তো চলুন রাধে রাধে। রাধে রাধে। তো কৃষ্ণ, इस জায়গা কা নাম ক্যা হ্যায়? ইস জায়গা কা নাম মানে বোলা হ্যায় রুদ্রপ্রয়াগ জেলে মে আতা হ্যায়, ইয়া তুনেটা, ইস গাঁও কা নাম হ্যায়, ছোটা সা বাজার হ্যায়। আচ্ছা, হ্যাঁ জি। তো আপকা উমর কিতনা অভি? মেরা উমর অভি হ্যায়, মেরা উমর 68 হ্যায়। 68। তো আপকা জন্ম এই পাহাড় পে হুয়া? পাহাড় পে হুয়া, মেরা জন্ম ইয়াহি। अच्छा, ये भी पलीन है, मेरा तो एकदम पहाड़ी पे हुआ। कहाँ पे आप घर? वो सामने जाओ, वो ऊपर वाले पौधे दिख रहे हैं ना, ऊंची से ऊंचा पीछे, उसके पीछे ये जो ऊंचा पेड़ देख रहे हैं, इसका पेड़ देख रहा है धार में। हाँ, इतना ऊपर आपका घर, उसके पीछे मेरा घर है। तो आप लोग कैसे इतना ऊपर चढ़ते हैं? आदत है यहाँ पर, एक मैं सुबह में, शाम को मैं घर जाता हूँ नेट को, और सुबह मैं यहाँ पर आ जाता हूँ सुबह के लिए, और खाना पीने के लिए इधर खाता ना उधर, मैं यहीं रह जाता हूँ। जैसा आप टूरिस्ट ठहर गए या आप लोग यहाँ ठहर गए, हमारे मेहमान है आप, तो मैं सेहत हो जाए, या तो लड़का रहेगा या मैं रहूंगा, यहाँ रहूंगा। अच्छा, आइए। तो आप लोग का रोटी पानी का व्यवस्था कैसे होता है, मतलब अभी तो जो कम हम खुद भी बना लेते यहाँ पर, और घर में परिवार है तो। नहीं नहीं, आप तो अभी जो मकान बनाए, पहले जो मकान था नहीं है उस समय, पहले था नहीं है, तो आप लोग का इनकम सोर्स क्या है यहाँ पे? इनके मामा टूरिस्ट पे निर्भर है, आप लोगों पे निर्भर है। अच्छा, हाँ, 6 महीना यहाँ पर जो चलता है, अच्छा जो यात्रा तो 2 महीना चलती ज्यादा, पर हम आप ही लोगों पे निर्भर है। अच्छा, मतलब यहाँ पे की जब भी ठंडा पे की बर्फ गिरता है इधर? यहाँ पर नहीं गिरता, ऊपर गिरता, जो ऊपर वाली पहाड़ी देखो ना सामने, हाँ, पहाड़ियों पे गिरता ऊपर वाली। अच्छा, ये पहाड़ पे सब बर्फ गिरता है? सारा बर्फ गिर जाता है। तो उस समय का आपको दिक्कत नहीं होता इधर? नहीं, ठंडी जरा ज्यादा पड़ती है। और तो फिर आप लोग कैसे चलता है उस समय? तो कोई टूरिस्ट वगैरह आता नहीं है, तो फिर आपको खाना पीना कैसे चलता है? नहीं नहीं, यहाँ पर लोकल भी चलता रहता है, थोड़ा जो यहाँ का लोकल होता ना, हाँ, तो थोड़ा बहुत खर्चा पड़ता है, हो जाता है, मतलब थोड़ा कुछ चल जाता है। हाँ, हमारी खेती बाड़ी भी होती ना, ऐसी छोटी मोटी खेती देख लो ना। अच्छा, ये आपका खेती है? हाँ, जैसा खेती है तो हम अपना काम भी कर लेते हैं खेती बाड़ी का, और यहाँ पर थोड़ा सा चाय। अब खेत में क्या क्या लगाता है? क्या इसमें जैसा चावल होता है ना, गेहूँ, अच्छा गेहूँ, धान, धान, गेहूँ, दाल, और अच्छा मंडुआ होता है, और सब्जी में क्या, आलू वगैरह? आलू होता है, फ्रास फ्रास हर सब्जी, बंद गोभी होती है। अच्छा, पत्ता गोभी। तो आपको जो पहाड़ में जो आप लोग रहता है, हम लोग तो रह नहीं सकता है, लोग आप वहाँ नहीं जा सकते ना, आपको परेशानी होगा। हाँ, वहाँ नहीं जा पाएंगे। आपको इतना ऊपर चढ़ने के लिए कितना टाइम लगता है? मेरा वहाँ पर कम से कम, जैसा जवान लड़के का तो ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा 20 मिनट लगता है। हाँ, जैसा मैं थोड़ा बुजुर्ग हो गया हूँ, हाँ, तो उम्र थोड़ा ऐसी हो गई, तो मेरा कम से कम 1.5 घंटा लगता है। पुणे घंटा, आप लोग पुणे 1 घंटा में इसका पहाड़ में चढ़ता है, हम लोग तो 3 घंटा में पहुँच जाओ, हम लोग तो 2 घंटा में पहुँचेंगे इतना ऊपर, आपका ज्यादा लगे। हाँ, তো দেখো না ওদের পরিবেশ আর ওদের যে সৌন্দর্য, মানে আপনাদেরকে অভিভূত করবে। তো ওরা, উনি এখানে জন্ম হয়েছে, আর ওনার বয়স এখন
68 ইয়ার্স চলছে। আর এখানকে এখানে ওনার যে মাকান রয়েছে, আগে ছিল না, তো এখানে ওনার খেতি বাড়ি রয়েছে এদিকে। তো পরিবেশটা আপকো আবি তো টুরিস্ট আতা হ্যায় যে 20 সাল পেলে কি লোক এসে আতা থা? 20 সাল পেছি আমার কোই জ্যাদা ইনকাম নেই, জ্যাদা মতলব আপ লোক খেতি বাড়ি সে চলতা থা? খেতি বাড়ি সে কোই নকরি করতা থা, কোই ছোটি মোটি বিজনেস করতা থা ইয়াহ পর কে লোক না, তো কোই জ্যাদা পয়সা নেই থা। আবি তো লোক হোনে কাফি পরিবর্তন হো গয়ে ইয়াহ পর हाँ, आप लोग का थोड़ा भी अभी चलने का थोड़ा सुविधा हो गया। जैसे जो आगे आप जैसे बेटा है ना, हमारे बेटी बेटा है, थोड़ा उनको शिक्षित ज्यादा हो गए ना, पढ़ाया है, तो आपको कितना लड़का है? मेरा एक ही लड़का है, वो अभी दुकान वगैरह संभालता है, काम चलाता है। और कितना लड़की आपको? मेरी लड़की 5 5 तो फिर सब शादी हो गया? सबका शादी, मतलब ये आस पास है ना? दूर? नहीं, दूर दूर है। दूर दूर है? अच्छा, या तो पहाड़ में चलने का तो बहुत दूर है। ये जो इधर सब गांव, ये सब आपका अपना पड़ोसी है? पड़ोसी नहीं है, पर ऐसे सब जानते हैं, जान पहचान वाले सारे। अच्छा, आपको आपको मतलब रिश्तेदार में कोई नहीं है? यहाँ पर रिश्तेदारी नहीं है, यहाँ पर ऐसे रिश्तेदारी दूर दूर है। मतलब गांव में रिश्तेदारी होता नहीं है आपको? हमारे आपस में नहीं होता रिश्तेदारी, एक ही जाति में नहीं होता, आपस में भी नहीं होता, एक ही। तो आपको आपको क्या नाम है? आप नाम बताए, पूरा नाम। नाम शुद्ध है, दयाल सिंह। दयाल सिंह? सिंह आपको, सिंह टाइटल है आपका? सिंह आता हमारे ठाकुर पे सिंह आता, और जो ब्राह्मण जात का होता ना उन पे राम आता है। अच्छा, राम सिंह, राम ये ऐसा। तो यहाँ पे कि लाइट पानी का सब व्यवस्था है? सारी व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था। अच्छा, अब पहले वाला पानी रहा, गाँव में भी रोड चली गई ना जगह जगह। अच्छा, हमारे गाँव में अभी रोड नहीं है, अभी गाँव में सड़क नहीं है आपको गांव में। उधर तो उधर कितना घर होगा आपको जब जहाँ पे रहते हैं? हमारे कम से कम 15 घर है, यहाँ पर 40 घर है, ये मकान दिख रहे हैं ना, उसके पीछे 40 घर है, उसके पीछे थोड़ा आगे मकान दिख रहे हैं थोड़ा थोड़ा, वहाँ पर भी कम से कम 30 घर होंगे। अच्छा, हाँ, ये पौधों के पीछे ये गाँव है, यहाँ पर भी 30 घर होंगे। देखा नहीं दे रहे कुछ? वो गाँव नहीं दिखा, पेड़ों से ढक गया। देखे ना, कम से कम 30-40 घर आते घर देखा जाते ना एखान। देखो ऊपर वाला ये खाई जैसी दिखाई दे रही, सीधी सीधी ऐसी, इसके पीछे कम से कम 40 घर है, 40 घर। अच्छा, तो आपने देखून भापते पर ना एकाने मध्य कम से कम 100 कुछ घरे ऊपर रोए चे एरियर मध्य, किंतु पहाड़ी गाथेर जनों का देखा जाते ना। तो आप लोग यहाँ पे जब बिजली था नहीं, तो आप लोग कैसे चलता था उस समय? हम उस टाइम पर लैंप होता था, एक लैंप मिट्टी का तेल से, और उस पे कोई बत्ती जला देते थे। तो उस समय का आप लोग रहने के लिए तो बहुत दिक्कत आता था? बहुत परेशानी थी, बहुत ज्यादा, हमने बहुत बुरा झेला यहाँ पर, बहुत परेशानी थी, बहुत कष्ट हुआ आपको? कष्ट हुआ बहुत, यहाँ पर पैसा भी नहीं था, और ये बाहर जाते थे लोग जो करने वाले, बाहर नौकरी, कोई होटल या कुछ, कोई ड्राइवर। भगवान ने आपको अभी अभी का समय में इतना अच्छा किया, सरकार ने इतना अच्छा कर रहा है। नहीं, मैंने तो हाथ नहीं फैलाया किसी, मैं गरीब को पहले से रहा हूँ, मतलब सुविधा का बात कर रहे हैं। सरकार ने बहुत सुविधा कर दिया, अभी तो प्रधानमंत्री जो मोदी जी है ना, इन्होंने बहुत सुविधा कर दिया, बहुत अच्छा, देश का विकास, घर घर का विकास, गरीबी को हटा दिया। और आज के डेट में जितना मोदी जी दे रहे हैं ना, उतना कहना भी मुश्किल है। तो फिर भी लोग मोदी जी का विरोध करता है? वो बेकार, वो ऐसे जो लोग ना अपना घर की बात नहीं जानते, वो सरकार की बात क्या जानते। हाँ, वही बात है। तो आपको मिल के हमारा बहुत अच्छा लगा, आपको ये जो इसका जो बारे में बात सुन के हमारा भी अच्छा लग रहा है। हाँ। जो हमारा जो लोग देख रहा है वो बंगाली, कोलकाता से, बंगाली भाषा है आप? हाँ, बंगाली है। तो बंगाली लोग भी इतना जानकारी नहीं है, आपको जो जानकारी दिया, जो सुना है, लोगों को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मतलब पहाड़ी का जो पहाड़ी अंचल है ना, हमारा भी अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे हम रह नहीं सकता है ज्यादा दिन। यहाँ पर बहुत अच्छे लोग हैं, अगर आप यहाँ पर 15 दिन टिकेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगे, बहुत अच्छा। यहाँ पर गुंडागर्दी नहीं, डकैती नहीं। हाँ, अच्छा इसीलिए नहीं लगेगा, यहाँ पे सब कुछ का हम लोग का जैसे सब कुछ सुविधा में सब कुछ मिल जाता है आसपास में। सादा लोग है, यहाँ पर साफ हवा है, साफ पानी है। अच्छा, अभी जो बाहर का रोगी होता ना, बाहर का, हाँ, वो रोगी यहाँ पहाड़ पे इलाज कराता, क्यों कराता, वो ये जड़ी बूटियों का पानी पिलाते हैं डॉक्टर लोग उसको।
अच्छा, यहाँ का पानी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, जो पानी निकलता है ना जमीन से, हाँ हाँ हाँ, वो जड़ी बूटियों का पानी होता है, तो उसमें जो बीमारी थोड़ा कटने शुरू। अच्छा, आप लोगों को तो बीमारी होता ही ना, पहाड़ी लोग बहुत कम होता है, यहाँ के लोग दुबले पतले जरूर होते हैं, हैं, लेकिन बीमारी बीमारी नहीं है सब। आजकल आजकल मानुषर मध्य सबकिछ मैंने অন্য রকমের খাওয়া দাওয়া সবকিছু পরিবেশ অন্যরকম ন্যাচারালটি কিছু নেই, সবকিছু হলো এখন মানে কি বলবো কেমিক্যাল জাতীয় সব জিনিস, এই জন্য মানুষের এত বিমারি হয়। কিন্তু ওরা যে পরিবেশে থাকে, তারা যে কিভাবে খাওয়া দাওয়া করে, তার মধ্যে কোনো এরকম কোনো বিমারি নেই, রোগ ব্যাধি নেই। আপলোক যেসে আমলোক চাউল খাতে হয়, রুটি খাতে হয়, सब्जी खाते है आप लोग क्या? हम बेचता चावल खाते, रोटी खाते, सब्जी खाते, दाल खाते। अच्छा, यही आप लोग का चावल रोटी? ये साधारण खाना, सैंपल खाना हमारा। अच्छा, ज्यादा वैसा खाना नहीं। ओ, आप लोग को जो बाजार वगैरह कहाँ मिलता है? हमारे बाजार यही है, ज्यादा करके हमें साफ सुथर चीज मिलती है यहाँ पर, अच्छी चीज मिलती है, केमिकल वाली कम मिलती है। मतलब अच्छा, यहाँ पे सब्जी मिल जाता है? सब्जी मिलता है यहीं लगाए हुए खेतों की सब्जी, कोई जैसा लगे वो मेहनत करता है, कोई काम करने वाला ज्यादा गांव में मेहनत वाला है ना। और जो तो सब्जी तेल मसला कहाँ से आता है? तेल दुकानी से आता है, वो मतलब शहर से आ जाता है? शहर से आता है। अच्छा, ठीक है, तो आपसे बात करके हमको अच्छा लगा। राम राम, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो हमें आज भावते पारिनी जे इस स्थाने इस परिवेशे एखानकार पहाड़ी लोकर थेके तादेर ब्यापारे जानबो, तादेर लाइफस्टाइल, तादेर जीवन जापन किभावे एखाने रयेछे। किन्तु तादेर मुखे कथा शुने माने एकदिके कष्ट होच्छे आर एकदिके आनंद होच्छे। तारा 20 बछर आगे एखाने किभावे कत कष्टे तादेर जीवन जापन चालियेछे, आजके आमरा देखि। आमरा जारा एई কলকাতায় মানে আমরা যারা ওই দিকে রয়েছি, পশ্চিমবঙ্গের দিকে রয়েছি, তো তাদের কত ফেসিলিটি, তাদের কত সুবিধা। এখানেই কোনো রোগ ব্যাধি হলে হোটেলে চলে যাচ্ছে, মেডিকেলে কোনো কিছু খাবে, রেস্টুরেন্ট চলে যাচ্ছে, তো তাদের সব কিছু ফেসিলিটি আছে। কিন্তু পাহাড়ি অঞ্চল, এখানে যদি কারোর কোনো রোগ ব্যাধি হয়, এখান থেকে তারা যেতে পারবে না মেডিকেলের মধ্যে। তাদের যদি কোনো কিছু একটা দরকার হয়, সব কিছু অ্যাভেলেবেল পাচ্ছে না। কিন্তু এখনকার যে সিস্টেম, এখনকার যে পরিবেশ, আজকে মানুষ ভক্তিতে আসছে, মানুষ টুরিস্টে আসছে, অতিথিদের নাতে যাচ্ছে, দামে আসছে, সে আমাদের মতো টুরিস্টে দিয়ে তাদের জীবন যাপন এখন চলছে। কিন্তু তাদের সঙ্গে আমার কথা বলে এত ভালো লেগেছে যে উনার বয়স এখন 70 বছরের কাছাকাছি, এই পাহাড়ের মধ্যে উনি 1 ঘন্টা উঠে যায়, আমরা 3 ঘন্টা উঠতে পারবো না। আর এই পাহাড়ের এই গাছপালাগুলোর মধ্যে তাদের বাড়িঘর রয়েছে, তাদের জীবনযাপন একবারে নর্মাল। এখানে বলো চুর ডাকাত কিছুই নেই, একবারে তাদের সিম্পল ভাবে তাদের জীবন যাপন, সাদা সিধা মাটা যেটা বলা হয়, তারা এইভাবে জীবন চালাচ্ছে। তো প্রিয় ভক্তগণ, আমারও খুব ভালো লাগছে যে আপনাদেরকে এইভাবে দর্শন করাতে পেরে। তো আপনারা নিচে কমেন্ট করবেন যে তাদের কথা শুনে, তাদের পরিবেশ দেখে আপনার কেমন লেগেছে। আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আকাশ বৃন্দাবন ব্লগ ইউটিউব চ্যানেলকে সবাই সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকবেন, আর নিচে কমেন্ট করে জানাবেন আপনাদের কেমন লেগেছে। তো আমরা কেদারনাথ যাওয়ার রাস্তায় রয়েছি, তো এটা আপনাদেরকে এক্সট্রা আরেকটা ব্লগ পাবেন, যেটা এসেছে এটা আর সঙ্গে অ্যাড করবো না, কারণ এমনি ভিডিওটা বড় হয়ে গেছে। তো সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। আর যদি আপনারা জানকারি চান বৃন্দাবন এই চার ধাম যাত্রার, তো আপনারা নিচে কমেন্ট করবেন, আপনাদের পার্ট বাই পার্ট ভিডিও দিব। সব জায়গায় নেটওয়ার্কের থাকে না, এই জন্য আপনাদেরকে টাইমলি আমি ভিডিও দিতে পারছি না। তো এখন রাত হয়ে গেছে, এই জন্য আপনাদেরকে সব দেখাতে পারছি না। একটু ঘোড়া ক্যামেরাটা দেখে দেখা যাচ্ছে কিনা কিছু, চারদিকে এখন অন্ধকার অন্ধকার আছে, তো এই জন্য আপনাদেরকে কিছু দেখাতে পারছি না। তো যাই হোক, এই পাহাড়ি লোকের এই পরিবেশ, পাহাড়ি লোকের যে তাদের জীবনযাপন, এটা আপনারা জানতে পেরেছেন, এটাই অনেক আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। তো এটা দেখানোর জন্য না, শুধু আপনাদেরকে জানানোর জন্য এটা বলছি যে আপনারা ওদের জীবনযাপনটা কীরকম হয় এটা আপনারা জানতে পেরেছেন। তো আমি ভাবছিলাম যে এখন আমি কোথাও ঘুরে ঘুরে আপনাদেরকে ব্লগ দেওয়ার প্ল্যানিং করছিলাম, তো রাধাহানি বলছে চলো চার ধাম থেকে ঘুরে আসো প্রথম। তো চার ধামে এসেছি, চার ধামের পরিবেশ এত মুগ্ধময়, মানে আমরা এখন যে জায়গায় রয়েছি রাত্রেবেলা, মানে খুবই সুন্দর, অদ্ভুত। যদি এখানে 4-5 দিন থাকা যায় তাহলে ঘরে বাড়ি ঘরে ঘুরে ঘুরে তাদেরকে আরও সুন্দর সুন্দর কিছু দেখানো যেত। কিন্তু আমরা তো সেই সময় নিয়ে আসিনি যে তাদের পরিবেশটাকে আমরা তুলে ধরবো, একটু সময় পেয়েছি, সুযোগ পেয়েছি, এই জন্য আপনাদের সঙ্গে তুলে ধরেছি। তো সবাইকে রাধে রাধে, হরে কৃষ্ণ, ভালো থাকুন সবাই, ধন্যবাদ, জয় ভোলেনাথ, কেদারনাথ বাবা কি যায়, রাধে রাধে।